नहीं जाएगा। अरे जाएगा, मैं कह रहा हूँ ना मिस्टर बिलमोरिया, नहीं जाएगा, गलत एंगल है। बोला था ना, आप दोनों सही निकले, गया भी और नहीं भी। अरे नीरज, तू क्या हाल है यार, कैसा है यार तू, सीइंग यू आफ्टर इयर्स। ये वरुण है मेरा सहायक और वो मिसेस बिलमोरिया। नीरज मारवा, बोर्डिंग स्कूल का दोस्त। मिसेस बिलमोरिया, टू ब्लैक कॉफीज। तू तब तो ब्लैक कॉफी पीता था, अब ग्रेजुएट हो गया, कुछ और पीने लगा या ब्लैक कॉफी पीता है? व्हाटएवर। आजा आजा। केरी, ये रेनुका है, माय वाइफ, शी इज अ डॉक्टर, दिल्ली के लॉयर हॉस्पिटल में एज ए सर्जन काम करती है। पिछले हफ्ते एक बिल्डर चांदीराम मेहरा की किडनी ऑपरेट कर रही थी और ऑपरेशन के टाइम पे पेशेंट की डेथ हो गई और पुलिस ने इसे मेडिकल नेग्लिजेंस में अरेस्ट कर लिया। केडी, मेरा शक है कि बिल्डर के बहुत सारे दुश्मन हैं, किसी ने बदला लेने के लिए उसे मरवाया है। तेरे शक का आधार क्या है नीरज? सी केडी, ये उस पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। इसके हिसाब से बिल्डर चांदीराम की किडनी एकदम क्रिटिकल कंडीशन में थी, उसकी हार्ट भी ब्लॉकेज थी, लेकिन केडी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं था, उसे एकदम फिट बताया गया है और मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से मेरी वाइफ को अरेस्ट कर लिया गया। केडी एक बात और, मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि चांदीराम के बहुत सारे दुश्मन थे। पुलिस ने जो केस बनाया है उसके कागजात हैं तेरे पास? पुलिस के सारे पेपर्स दिल्ली में हैं, उसके लिए तुम्हें प्लीज मेरे साथ दिल्ली चलना पड़ेगा। केडी, किसी ने बिल्डर से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए मेरी पत्नी को बलि का बकरा बनाया है। आई नीड योर हेल्प केडी। देख नीरज, तेरा केस मैं लड़ूंगा, लेकिन तुझे मुझसे एक वादा करना होगा कि इस केस की कोई भी बात तू मुझसे छिपाएगा नहीं। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, पर प्लीज ये केस ले लो, सेव माय वाइफ। हेलो, केडी ने केस ले लिया है और वो कल मेरे साथ दिल्ली आ रहा है। क्या बात है मेरे भाई, केडी इन दिल्ली, जियो बेटा जियो। चलो भैया, आगे की हम करते हैं, टेंशन ना लो। सी यू टुमारो। हेलो जी, काम हो गया, आ रहे हैं सरकार नई दिल्ली। गर्मी है सर दिल्ली में, क्या हुआ सर? वरुण, मुझे लगता है नीरज हमसे कुछ छिपा रहा है। फ्लाइट पर जितनी बार भी मैंने उससे इस केस को लेकर प्रश्न पूछे, उसने बात को घुमाकर टाल दिया। हाँ सर, हमें भी होटल अकेले जाने को कह दिया और खुद एयरपोर्ट से गायब हो गया। अब क्या करेंगे हम? मुझे लगता है पुलिस स्टेशन जाकर उसकी पत्नी से मिलना चाहिए। हाँ नीरज बोल। केडी, क्या तुम होटल पहुंच गए? नहीं, बस अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले। केडी, जिन लोगों ने मेरी वाइफ को फंसाया है उन्हें पता चल चुका है कि तुम दिल्ली आ गए हो मेरी मदद करने। क्या? और मुझे पता चला है कि वो तुम्हें जान से मारने की कोशिश करेंगे। मुझे मारने वाले? ये बात तुझे कैसे पता? नीरज, तू क्या छुपा रहा है मुझसे? केडी, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, प्लीज गिव मी सम टाइम। एक घंटे का टाइम दो मुझे, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। वो चांदीराम मेहरा की फाइल है सर, बैग में। क्या देख रहे हैं सर? लोया हॉस्पिटल का नंबर। लोया हॉस्पिटल,
जी, मैं डॉक्टर रेनू का मारवा से बात करना चाहता हूँ। क्या? अच्छा, चांदीराम मेहरा नाम के पेशेंट पर आप मुझे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? Are you sure? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या हुआ सर? लोहिया हॉस्पिटल में रेणुका मारवा नाम की कोई डॉक्टर नहीं, ना ही उन्होंने कभी चांदीराम मेहरा नाम के पेशेंट को कभी ट्रीट किया है। नीरज हमसे झूठ बोल रहा है, ये केस ही झूठा है। पर नीरज ऐसा क्यों कर रहा है आपके साथ? उसने आपको नकली केस में दिल्ली क्यों बुलाया? और अब ऐसा क्यों कह रहा है कि आपकी जान को खतरा है? हाँ नीरज। केडी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तुम कहाँ हो? नीरज, मैंने अभी अभी लोहिया हॉस्पिटल फोन। केडी, मैं अभी गफ्फार मार्केट के मूनदास रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, तुम जल्दी से वहाँ आ जाओ। देखो, मैं तुम्हें सब कुछ वहीं समझा दूंगा, प्लीज। बस भैया, इधर ही रोक दो, इधर ही रोक दो। शुक्रिया भाईजान। एडी भैया, तू तो गया। सर कॉफी? सर कॉफी, देख नीरज, मैं जानता हूं कि तूने मुझसे झूठ बोला है। लोहिया हॉस्पिटल से मुझे पता चला कि वहां रेणुका मारवा नाम की कोई डॉक्टर नहीं, और ना ही वो मेरी पत्नी है। फिर ये केस? केस भी छूटा है। मैं समझा नहीं, क्यों मुझे तूने यहां दिल्ली बुलाया? मेरी बहन शालिनी कुछ लोगों के कब्जे में है। किसके? 3 दिन पहले उसे उसके कॉलेज के बाहर से कुछ लोगों ने अगवा कर लिया। मैं उन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता केडी। मुझे धमकी भरा फोन आया कि मैं किसी भी तरह तुम्हें मुंबई से दिल्ली लेकर आऊं, वरना वो मेरी बहन को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये बात तूने मुझे मुंबई में क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं उन लोगों की बातों में आता चला गया, और मैं अपनी बहन को बचाना चाहता था केडी। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तुम प्लीज यहां से वापस चले जाओ। ठीक है, अब दिल्ली आया हूं तो बिना कुछ किए लौट कर नहीं जाऊंगा। इसका मतलब तुम मेरी बहन को बचा लोगे केडी? तू चिंता मत कर, मुझसे जो हो सकता है, जितना हो सकता है, मैं करूंगा। तू उन लोगों को फोन करके बोल कि तूने अपना वादा पूरा किया, अब उनकी बारी है। थैंक यू वेरी मच केडी। एक बात और, उन्होंने तुम्हें ये एनवलप देने के लिए कहा था। क्या है इसमें? पता नहीं, लेकिन तुम इसे खोलो मत। उन्होंने कहा है कि जब वो तुमसे मिलेंगे तुम उसे तभी खोल सकते हो। कौन? पता नहीं, पर जो भी है केडी, उसी ने तुम्हें दिल्ली बुलाया है, और ये सब उसी का प्लान है। ठीक है, ये मेरे पास रहने दे, मैं संभाल लूंगा। थैंक यू केडी, थैंक यू वेरी मच। अगर तुमने मेरी बहन को बचा लिया तो मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दूंगा। अगर तुमने मेरी बहन को बचा लिया तो मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दूंगा। हेलो, बोलो ना। सर, मैं कब से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप हो कहाँ? आप मनाली पहुंच गए ना? नहीं, मैं यहाँ कहाँ हूँ, मैं यहाँ पुराने किले पर हूँ। किला? वरुण, मेरी बात ध्यान से सुन। यहाँ नीरज की हत्या हो गई है। उसका खून मेरे कपड़ों पर है, गन मेरे हाथों में है। What? सब सब आई ओके? सर, मैं अभी पहुंचता हूँ आपके पास। तू कहीं भी मत जा, तू वहीं रुक जहाँ तू है। मैं यहाँ सबसे पास के पुलिस स्टेशन जाकर मैटर को रिपोर्ट करता हूँ। सब फोन करता हूँ तुझे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम केडी पाठक। चुप है, गन लो इसके हाथ से। गंदे में चेक करो उसे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, बात वो नहीं है जो आप समझ। अबे चुप कर, ये तो टाइम पर हम यहाँ आ गए, वरना तू तो कांड करके भाग जाता। साहब ये तो गया, अब तू भी गया। क्या? तो तुम पुराने के लिए बेहोशी की हालत में पहुंचे बगैर अपनी मर्जी? जी, मुझे सिर्फ इतना याद है कि कल शाम को मैं नीरज के साथ गफ्फार मार्केट के कैफे में बैठा था, और आज जब आँख खुली तो पुराने किले पे था। ये
तुम्हारे हाथ में गन, नीरज के पीठ में गोली। केस तो बनता है केडी पाठक, घना मजबूत केस, और सबूतों की लिस्ट इतनी लंबी है, शुरू होते खत्म ही नहीं होती। बहुत बड़ी गलती की तूने दिल्ली आकर। अब यहीं पर पहली बार तेरी अदालत लगेगी, केडी पर केस। ठीक है, आप अपना कर्म करिए, मैं अपना करूंगा। आई एम जयसवाल, ऑलवेज टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी। प्रारंभ में ही आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। आपको यहाँ देखकर मुझे अचंभा क्यों नहीं हो रहा? पाठक जी के भाई आप? नहीं, केडी पाठक खुद स्वयं। ओह माय गॉड, आई जस्ट कांट बिलीव दिस। माफ कीजिएगा, क्या है ना, यूजुअली आपको कटघरे के इस पार खड़े हुए देखने की आदत है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उस पार नहीं जहाँ मुजरिम खड़े होते हैं, तो थोड़ी दिक्कत हो गई। आई एम सॉरी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बाय द वे, आपको ये जानकर खुशी जरूर नहीं होगी कि आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन का केस लड़ने के लिए मुझे ही बुलाया गया है। तू जहाँ जहाँ रहेगा, ऑल द वे फ्रॉम मुंबई। आपको भी ये जानकर खुशी नहीं होगी जयसवाल साहब, कि मेरा ये जो केस है मैं स्वयं लड़ रहा हूँ, ऑल द वे फ्रॉम मुंबई। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वैसे डोंट वरी, आपको कुछ नहीं होगा। ये मैं खुद बोल रहा हूँ कि यू विल विन दिस केस, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप किसी का खून नहीं कर सकते केडी पाठक, सिवाय मेरे। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, आज तक बुजुर्गों को यह कहते हुए सुना है मैंने घोर कलयुग के बारे में, लेकिन आज केडी पाठक को स्वयं यहाँ पे, महान वकील केडी पाठक को यहाँ स्वयं कटघरे में खड़ा देख, वो भी खून के संगीन इल्जाम के लिए, यकीन हो गया है मुझे कि ऐसा सिर्फ घोर कलयुग में ही हो सकता है योर ऑनर। वरना कहाँ मासूमों की जान बचाने वाला एक मसीहा केडी पाठक, और कहां एक खूनी कातिल केडी पाठक। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि इस केस की सुनवाई होने से पहले अभियोग पक्ष मुझे कातिल करार न दे। यस योर ऑनर, आई एम सॉरी। मैं जानता हूं कि आप निर्दोष हैं, यही कहना चाहते हैं, इसलिए आज पहली बार मैं आई एम जयसवाल खुद चुप रहूंगा और आपको पहले बोलने का मौका दूंगा। बताइए क्या हुआ था, क्या घटना घटी थी? योर ऑनर, नीरज मारवा मेरे बहुत ही पुराने मित्र थे, स्कूल के समय के। कई वर्षों तक हमारे बीच कोई संपर्क नहीं था। एक दिन अचानक वो मेरे ऑफिस आए। मुझे पूरा विश्वास है योर ऑनर कि मेरी तरह नीरज भी उन लोगों का शिकार बना है। नीरज की बहन शालिनी अब भी उन लोगों के कब्जे में है। रही मेरी बात, तो मुझे बिल्कुल याद नहीं कि मैं उस पुराने किले पर कैसे पहुंचा। यानी कि पूरे 12 घंटे तक आपको कुछ याद ही नहीं? जी नहीं। आखिर का कुछ याद है, लास्ट में क्या हुआ? मुझे सिर्फ इतना ही याद है कि नीरज
वरुण और मैं एक कैफे में बैठे थे। कैफे में बैठे थे, फिर भी यू डिडंट स्मेल द कॉफी मिस्टर पाठक? मे बी आई वाज मेड टू स्मेल समथिंग एल्स इन द कॉफी मिस्टर प्रोसिक्यूटर। इज इट सो? सबका कहना है कि कॉफी स्मेल करने के बाद या पीने के बाद बेहोश, ब्लैंक, टोटली कुछ याद नहीं। इट्स अ पॉसिबिलिटी। खैर, अब नीरज तो यहाँ है नहीं, लेकिन वरुण तो है, लकीली यहीं पे कोर्ट में। योर ऑनर, मैं वरुण से पूछना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। इजाजत है योर ऑनर। केडी सर, नीरज और मैं कैफे में बैठे थे कि नीरज के हाथों से कॉफी छूटकर मेरे कपड़ों पर गिरी। I'm so sorry, I'm sorry. It's okay. मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। केडी सर कहाँ गए? एक्चुअली वरुण, उन लोगों का फोन आया था, उन्होंने केडी को मनाली बुलाया है। यू नो, तभी वो मेरी बहन को छोड़ेंगे। पर मुझे बिना बताए अचानक ऐसे? तुम्हारे लिए केडी का मैसेज है कि तुम होटल में उनका वेट करो, वो कल सुबह तक वापस आ जाएंगे। मैं तुम्हें होटल छोड़ दूं? और फिर नीरज ने मुझे होटल छोड़ दिया, ये कहकर कि एक घंटे में मुझे फोन करेगा, और वो भी गायब हो गया। पूरी रात मैं केडी सर का फोन ट्राई करता रहा, पर उनका फोन आउट ऑफ रीच था। अगली सुबह जब केडी सर का फोन आया, तब मुझे पता चला कि वो मनाली कभी गए नहीं थे, वो किसी किले पर थे। हेलो वरुण। सर, मैं कब से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप हो कहाँ? आप मनाली पहुंच गए ना? नहीं, मैं अब कहाँ हूँ? मैं यहाँ पुराने किले पर हूँ। किला? वरुण, मेरी बात ध्यान से सुन। यहाँ नीरज की हत्या हो गई है। उसका खून मेरे कपड़ों पर है, गन मेरे हाथों में। What? सर, सर, आई ओके? सर, मैं अभी पहुंचता हूँ आपके पास। तू कहीं भी मत जा, तू वहीं रुक जहाँ तू है। मैं यहाँ सबसे पास के पुलिस स्टेशन जाकर मैटर को रिपोर्ट करता हूँ। सर, किले पर थे, और ये सब सिर्फ तुमने सुना फोन पे जो केडी ने कहा, अपनी आंखों से देखा तो नहीं, राइट? जी, लेकिन केडी सर सही कह रहे, नीरज की बहन। केडी सर सही है या गलत है वो तो जज साहब डिसाइड करेंगे, फिलहाल आपका जो सुनना था हमने सुन लिया, आप जा सकते हैं। थैंक यू। जूनियर तो गए, सीनियर कुछ कहना चाहते हैं? योर ऑनर, कुछ कुछ मेरी समझ में आ रहा है। मैं समझ रहा हूं कि मुझे नीरज ने वहां अकेले क्यों बुलाया था। उसने मेरे अपहरण की योजना बनाई थी। वरुण के कपड़ों पर कॉफी गिरना, ये एक बहाना था ताकि वरुण वहां नहीं रहे। मुझे कॉफी पिलाकर बेहोश किया गया, और इसके पहले कि वरुण वहां लौटे, मुझे अगवा किया गया। कहां? अरे हाँ, वो पुराने किले, राइट 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 राइट। और फिर नीरज ने खुद अपने आप को गोली मार ली, और मरने के बाद आप जो बेहोश हो चुके थे, आपके हाथ में अपनी गन थमा दी, ऐसा कुछ? क्या यह स्पष्ट नहीं है मिस्टर जायसवाल कि इसमें कोई तीसरा व्यक्ति भी शामिल था? तीसरे से पहले दूसरे से तो निपट ले मिस्टर पाठक। वहां उस कैफे में 11 लोग मौजूद थे जब आप बेहोश हुए, और किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? क्या दूध पीते हुए बच्चे हैं कि आपको गोदी में उठाकर कोई यूं लेके जाए और किसी को पता तक ना चले? बताइए ना, क्या हुआ, क्या था? आप बेहोश हुए थे? योर ऑनर, मैंने पुलिस से कहा था कि वहां उपस्थित सारे लोगों के स्टेटमेंट सब है यहाँ पर मिस्टर पाठक, सब। योर ऑनर, 11 लोगों के स्टेटमेंट्स और एक विटनेस का भी। कैफे में जो वेटर था जिसने पाठक साहब को कॉफी सर्व की, उसका स्टेटमेंट कल पेश। सर, आप कब बेहोश हुए थे? आप तो खुद वहां से उठ के चले गए थे। और कब उठकर चले गए थे? यही कोई 7 बजे के आसपास का वक्त होगा। इनके साथ ही उठ के बाथरूम गए, फिर मिस्टर पाठक उठे, इन्होंने मिस्टर नीरज से हाथ मिलाया और उनके कानों में कुछ कहा, फिर ये वहां से चले गए। करेक्ट योर ऑनर, सही फरमा रहे हैं जनाब। और इनके साथ साथ 11 लोगों की स्टेटमेंट भी यही कहती है कि उस रोज वहां उस कैफे में 7 बजे के करीब उन्होंने कोई भी अजीब घटना घटते हुए नहीं देखी। इसका मतलब ये हुआ कि केडी पाठक सर खुद अपने पैरों पे खड़े होकर उस कैफे में से बाहर गए थे। यानी कि पाठक सर, आपकी बेहोशी की कहानी सिर्फ कहानी है। सर्वज्ञानी हैं आप तो, मिस्टर आई एम जायसवाल।
तो ये भी बता दीजिए कि मैं उस पुराने किले पे कैसे पहुंचा। I'll give you a better answer। रिक्शे से पहुंचे थे आप पुराने किले, और वो रिक्शा बाहर कोर्ट के बाहर खड़ा है, और रिक्शा वाला यहाँ बैठा है कोर्ट में। योर ऑनर, रिक्शा वाला रेला रहा तो कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है जी साहब। यही थे? यही है जनाब। यही कुछ 7:30 बजे मेरी रिक्शा में बैठे और बोले कि पुराना किला ले चलो। इन्होंने मुझे 100 का नोट भी दिया और छोटे पैसे वापस भी नहीं लिए, बोले टिप रखो। आपको यकीन है कि ये यही जनाब थे? क्योंकि नहीं, क्या है, इनको कुछ याद नहीं है, भूल गए सब। आपको तो बराबर याद है ना? हाँ साहब, भूल गए आप। और आप मेरी रिक्शा में लगी उस फोटो की बड़ी तारीफ कर रहे थे। आप ही के कहने पर तो मैंने रिक्शा में वो रफी साहब के पुराने गाने लगाए थे। क्या बात है, क्या बात है पाठक साहब। ये रिक्शा वाले की मेमोरी तो एकदम पूर जोर में चल रही है, टॉप गियर में। लेकिन आपकी? योर ऑनर, ये गवाह जो कह रहे हैं मुझे कुछ याद नहीं। इससे स्पष्ट है कि मुझे बेहोश किया गया था, और मुझे पूरा विश्वास है कि नीरज की हत्या जिसने की है उसी के कब्जे में उसकी बहन शालिनी है। मैं निवेदन करता हूं अदालत से कि पुलिस को आप कहें कि शालिनी को ढूंढा जाए ताकि हम नीरज के कातिल तक। तो मेरे सामने खड़ा है मिस्टर पाठक। वो गन जिससे नीरज का खून हुआ वो आपके हाथों में थी, और उस गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट योर ऑनर, उसे साफ जाहिर होता है कि नीरज का खून इसी गन से हुआ है, और नीरज का खून पाठक के कपड़ों पर। यानी कि मिस्टर जायसवाल, इतने केसेस तो आप लड़ ही चुके हैं, ये ज्ञान पाने के लिए कि ये सब कुछ किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा भी करवाया जा सकता है। कमाल, आज तीसरे व्यक्ति के पीछे पड़े हैं। खैर चलो मान लिए, लेकिन और एक सबूत है मेरे पास मिस्टर पाठक। अगर उसका तोड़ आपके पास होगा तो फिर यकीन है ना, आपके खिलाफ जो इल्जाम लगा है उसे भी आप तोड़ देंगे। ये 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 आंसरिंग मशीन योर ऑनर, ये। और अब मैं अपनी अगली गवाह शीतल सन्याल को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। पहचानते हैं ने? नहीं नहीं जी नहीं। Allow me to introduce. ये है मिस शीतल सन्याल। नीरज मारवा की मंगेतर, असली वाली। और मरने से पहले मिस्टर नीरज मारवा ने इनको फोन किया था। किया था ना मिस शीतल सन्याल? जी, मैं उस समय होटल में थी तो नीरज का मैसेज मेरे घर की इस आंसरिंग मशीन में रिकॉर्ड हो गया था। पाठक सर, विथ योर काइंड परमिशन, ये आंसरिंग मशीन ऑन फुल वॉल्यूम सब सुन सके। शीतल, शीतल पुलिस को फोन करो, केडी पाठक मुझे मार डालेगा। मैं उसके साथ पुराने किले पर हूँ और वो लैपटॉप के बारे में जान गया है। शीतल, वो मुझे मार डालेगा, उसके हाथ में मेरी गन है, वो मुझे मार डालेगा। शीतल, कॉल द पुलिस। शीतल, शीतल प्लीज। क्या कहेंगे इसे मिस्टर पाठक, डाइंग डिक्लेरेशन या फिर शुद्ध हिंदी में मरते वक्त का बयान, जिसमें नीरज मारवा ने खुद ये कहा है योर ऑनर के केडी पाठक उसे मारना चाहता है, सॉरी मार रहा है। व्हाट योर ऑनर, मैं मिस शीतल सन्याल से पूछना चाहूंगा कि किस समय उनके मशीन पर यह मैसेज छोड़ा गया। जी नहीं नहीं नहीं, अब कंफ्यूज मत होइए शीतल जी, बड़ी शीतलता से जवाब दीजिए। क्या है कि जो हमारे सीनियर है पाठक साहब, वो वैसे तो यहाँ मुजरिम है लेकिन यहाँ खुद ही अपना केस लड़ रहे हैं, तो ठीक है प्लीज। जी, यही कोई रात के 11 बजे। रात के 11 बजे मुझे पुराने किले से पुलिस ने सवेरे 7:30 बजे गिरफ्तार किया। इतना लंबा समय आपने इंतजार क्यों किया शीतल जी? क्योंकि मैंने नीरज का मैसेज सुबह 6 बजे सुना जब मैं अपनी नाइट शिफ्ट से लौटी थी, और मैंने फौरन पुलिस को फोन किया। इस रिकॉर्डिंग में नीरज ने एक लैपटॉप की बात की है,
किस लैपटॉप की बात कर रहे थे नीरज? कमाल है पाठक साहब, या तो फिर आप खुद बन रहे हैं या फिर हमें बना रहे हैं। अरे वही लैपटॉप, ये वाला, योर ऑनर, ये लैपटॉप जो नीरज मारवा की लाश के पास से मिला और जिसे नष्ट करने से पहले पुलिस ने आपको पकड़ लिया। Your Honor, इस लैपटॉप के साथ मेरा क्या संबंध? नीरज के साथ भी मित्रता के अतिरिक्त मेरा और कोई संबंध नहीं था, मैं उसे क्यों मारूंगा? उसे मारने का मेरा क्या उद्देश्य हो सकता है? What is the motive for this murder? माल है पाठक साहब। क्या बात है पाठक साहब, बस इसी बात के लिए तो मैं आपका फैन हूँ। Hats off to you। सही समय पर सही सवाल उठाते हैं आप। इस लैपटॉप से आपका क्या संबंध? नीरज मारवा को आपने क्यों मारा? इन दोनों सवालों का जवाब इस लैपटॉप में है। योर ऑनर, ये लैपटॉप नीरज मारवा का ही है जिसपे वो अपनी बिजनेस अकाउंटिंग किया करते थे। टू ऐड टू योर इंफॉर्मेशन योर ऑनर, नीरज मारवा नोएडा की एक प्रमुख कंस्ट्रक्शन कंपनी एसकेएफ बिल्डर्स में चीफ अकाउंटेंट थे और उसी कंपनी की एक करोड़ों की लैंड डील के लिए उन्होंने केडी पाठक को यहां दिल्ली बुलाया। योर ऑनर, मैं अदालत में पहले भी कह चुका हूं। पहले मेरी बात खत्म होने दीजिए पाठक साहब, सुन लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं, देख लीजिए मैं क्या दिखाना चाहता हूं, उसके बाद आप जो भी कहेंगे चुपचाप सुनता रहूंगा मैं। आई प्रॉमिस योर ऑनर, इस लैपटॉप में हमें एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो मिला है जहां पे मुख्य अभिनय दो लोगों का है, एक तो नीरज मारवा जो, और दूसरे श्रीमान सत्यवादी केडी पाठक साहब। देखें अभिनय आपका। केडी नोएडा की जमीन की टोटल वैल्यू मिनिमम 800 करोड़ है, लेकिन जब तक इस पर लगे लीगल सारे केसेस क्लियर नहीं हो जाते, मेरे बॉसेस को ये जमीन नहीं मिल सकती। अगर तुम अपनी पहुंच और पहचान से इन सारे केसेस और सबूत को मिटा दो या बदल दो तो तुम्हें मेरे बॉसेस बदले में बड़ा कमीशन देंगे। ये बात तूने मुझे मुंबई में क्यों नहीं बताई? क्योंकि केडी मेरी नौकरी 800 करोड़ की डील पर डिपेंड करती है और मैं जानता हूँ कि तुम ही हो जो इस केस को घुमा फिरा कर किसी भी तरह ये जमीन मेरे बॉसेस के नाम करवा सकते हो। इसके लिए तुम्हें जो पैसे चाहिए मैं दूंगा। अब दिल्ली तक आया हूँ तो कुछ किए बिना लौटूंगा नहीं। तो इसका मतलब तुम रिश्वत लेकर ये जमीन मेरे बॉसेस के नाम करवा दोगे? थैंक यू वेरी मच केडी, तुमने मेरी नौकरी बचा ली। और ये लो इस केस की पहली इंस्टॉलमेंट। क्या है इसमें? इसमें रुपए हैं और बाकी के केस खत्म होने के बाद मिल जाएंगे। ठीक, इसे रहने दे मेरे पास। ऑर्डर ऑर्डर योर ऑनर, ये टेप झूठा है, बनावटी है। इस लिफाफे में रुपए नहीं, कुछ और था जो नीरज की बहन के अपहरणकर्ताओं ने मुझे भेजा था। क्या क्या था उसमें? आइए खुद ही देख लेते हैं पाठक साहब। ये वही सील्ड एनवलप है ना जो नीरज ने इस फिल्म में आपको दिया और जो आपकी बैग से मिला, यही है ना वो? आइए देखते हैं इस सील्ड एनवलप में क्या है। पेशगी की रकम, गैर कानूनी तरीके से कानूनी सबूत मिटाने की रिश्वत, केडी पाठक, कमर ढीली पाठक। क्या समझता था मैं आपको, न्याय का देवता, धर्माधिकारी पूछता था मैं आपको पाठक। माना कि आज तक कई बार कई केसेस में आपने मुझे हराया, इतने से मार्जिन से, दुख होता था मुझे, लेकिन फिर भी विश्वास था कि जहां आप है वहां पे सच तो होगा ही।
लेकिन आज अपने आप से आपसे इस न्याय तंत्र वकालत सबसे मेरा विश्वास हो गया। छी एनीवे सो हियर इज द केस योर ऑनर। नीरज मारवा ने केडी पाठक की रिश्वत खोरी पर से पर्दाफाश करने के लिए उनका स्टिंग ऑपरेशन किया जिसकी भनक केडी पाठक को हो गई। इसीलिए बहाने से केडी पाठक ने नीरज मारवा को पुराने किले बुलाया। वो लैपटॉप छीनने की कोशिश की लेकिन जब नीरज मारवा ने मना किया तो इन्होंने उनकी गन छीन ली और उन्हीं की गन से उन्हें। मिस्टर जायसवाल, मैं इस अदालत में कह चुका हूँ कि नीरज ने मुझे दिल्ली किसी बिल्डर का केस लड़ने के। आप कह चुके हैं किसी बिल्डर का केस नहीं, वो उसकी वाइफ का पर्सनल केस। क्या नाम था उसका? रेणुका मारवा, राइट? तो क्या हुआ उस केस का? वो केस झूठा था। ओह माय गॉड, ये केस भी झूठा है? तो फिर सच क्या है, प्लीज बताइए ना। योर ऑनर, जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोगों ने नीरज की बहन शालिनी का अपहरण कर लिया था और नीरज को ब्लैकमेल कर रहे थे कि जब तक वो मुझे दिल्ली नहीं ले आता वो शालिनी को नहीं छोड़ेंगे। यही था केस। मेरी बहन शालिनी कुछ लोगों के कब्जे में है। किसके? 3 दिन पहले उसे उसके कॉलेज के बाहर से कुछ लोगों ने अगवा कर लिया। मैं उन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता केडी। मुझे धमकी भरा फोन आया कि मैं किसी भी तरह तुम्हें मुंबई से दिल्ली लेकर आऊं वरना वो मेरी बहन को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा जी, और इस बात के साक्षी मेरे सहायक वरुण है। अरे लक्ष्मण तो वही कहेगा जो राम जी कहलाना चाहेंगे। योर ऑनर, नीरज की बहन किडनैप हुई है, उसे ढूंढवाइए। मिस्टर वरुण प्लीज सिट डाउन। आई सी, तो क्या कह रहे थे आप, वो नीरज की बहन किडनैप हो गई। चलिए गेम खेलते हैं। Guess, मेरा अगला गवाह कौन है? बोलो बोलो। मैं बता देता हूं। बताता क्या हूं, दिखा देता हूं आपको, हैं? अदालत को भी। आइए। योर ऑनर, मिस शालिनी, नीरज मारवा की असली बहन, सो कॉल जिसका किडनैप हुआ था, सो कॉल जिसका किडनैप हुआ था। मेरी बहन शालिनी कुछ लोगों के कब्जे में है। 3 दिन पहले उसे उसके कॉलेज के बाहर से कुछ लोगों ने अगवा कर लिया। आई यहां पे जी, एक बार आप खुद अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन जज साहब को देंगी प्लीज। मैं शालिनी मारवा, नीरज मारवा की बहन। शालिनी जी, ये बताइए कि क्या आपका कॉलेज के गेट के बाहर से अगवा यानी कि किडनैप हुआ था कभी भी? किडनैप? नहीं, मुझे कोई किडनैप क्यों करेगा, मैं तो यही हूँ दिल्ली में। तो फिर ये पाठक साहब जो सामने कटघरे में खड़े हैं, उनका ये कहना है कि आपका किडनैप हुआ था और इसीलिए आपके भाई नीरज मारवा ने इन्हें आपको बचाने के लिए यहाँ दिल्ली बुलाया। ऐसा क्यों? ये सब झूठ है, ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया था, इन्होंने मेरे भाई को मारा। कोई आपके साथ ऐसा क्यों करेगा केडी सर, सिर्फ आपको फंसाने के लिए? और नीरज इसका हिस्सा क्यों है? उसकी तो आपके साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि नीरज और मेरे बीच कभी कोई बैर नहीं था। स्पष्ट है कि किसी के कहने पर, किसी के दबाव में आकर उसने खेल रचा, दुर्भाग्यवश उसका फायदा उठाकर उसे भी मार दिया गया। इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी सर, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, आज नहीं तो कल ये साबित हो जाएगा कि वो इनोसेंट। समस्या यह है वरुण, की मुझे निर्दोष साबित करने का काम भी मुझे स्वयं ही करना पड़ेगा और यहाँ सलाखों के पीछे रहकर मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जो करना है तुझे ही करना है। सबसे पहले नीरज के बारे में हर जानकारी हासिल कर, असल में क्या काम करता था, उसके दोस्त कौन है, दुश्मन कौन, वहीं से सुराग मिलेगा। राइट सर।
भाई साहब जरा पता तो बता दीजिए भाई मेरे। अरे भाई मैं दिल्ली में नया हूँ। अरे बाबू एक बार ताड़ तो लो पर्ची। मैंने कहा ना आपसे नीरज मारवा 403 सुशील कॉम्प्लेक्स वाला। क्यों कुछ जाना पहचाना लग रहा है? कौन हो तुम? सड़क पर बातें करना अच्छी बात नहीं। अब चुपचाप मेरे साथ चलिए वरना ये चल जाएगी प्यार से। चल बैठ। उस लड़के को उठा लाया। नहीं नहीं अब तक तो उसने कोई बदमाशी नहीं की जी। समझ गए जी। आप बेफिक्र हो जाओ। ओके जी। हाँ तो अब तू पूछ कि मैं तुझे यहां क्यों लाया हूं। तू मुझे यहां नहीं लाया, मैं तेरे साथ यहां आया ताकि तेरे जरिए मैं केडी सर की बेगुनाही को साबित कर सकूं। तुझे अब भी लगता है कि केडी छूट जाएगा? भूल जा केडी को, गया 14 साल के लिए अंदर। और हाँ उसके खिलाफ केस में कोई रोड़ा है तो वो है तू। तेरी गवाही अब भी केस हिला सकती है। तुझे केडी के खिलाफ गवाही देनी होगी। अच्छा तब क्या कहना होगा मुझे? वही जो सारी अदालत कह रही। केडी पाठक दिल्ली नीरज से रिश्वत लेने के लिए गया और उससे बचने के लिए उसने उसकी जान ले ली। और हाँ तूने जो अब तक अदालत में कहा है वो सब झूठ है। घबरा मत, कह देना कि तुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। अरे रिश्वत खोर वो केडी है, तू नहीं। ठीक है एक शर्त पर। पहले मुझे ये बता कि तू कौन है और फोन पर किससे बात कर रहा था। कौन है इन सब के पीछे? पीछे कौन है बेटा ये रहने दे। ये देख कि आगे कौन है। तेरी खोपड़ी के आगे ये बंदूक, तेरी खोपड़ी के आगे। इसलिए जैसा कहता हूं वैसा कर नहीं तो पॉइंट ब्लैंक से गोली मारूंगा तुझे। नीरज मरा, केडी मरेगा और उससे पहले मरेगा तू। केडी कौन? नीरज तू तो? हाँ केडी मैं ही हूँ, नीरज मारवा। वो तुम कहते हो ना केडी, अक्सर जो होता है वो हमें दिखाई नहीं देता और जो दिखाई देता है वो होता नहीं। आज तुम्हारा ही कहा तुम्हारे ऊपर आजमाया गया है, तुम्हें धोखा हुआ है केडी। धोखा? कैसा धोखा? समझा नहीं। जो मारा गया वो सूरज था, सूरज मारवा मेरा जुड़वा भाई। जो मेरी जगह लेकर तुम्हें और सारी दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा था। हाँ केडी, हम दोनों भाइयों की सिर्फ शक्ल मिलती थी और कुछ नहीं। वो हमेशा से ही गलत लोग और गलत कामों में घिरा रहता था। एंड आई एम श्योर केडी, उन्हीं में से किसी के कहने पर उसने तुम्हारे साथ ये खेल रचा है। अच्छा सूरज ने तेरी जगह ली नीरज और सूरज की हत्या हुई। पूरी दुनिया ने समझा कि तेरी हत्या हुई है। इस पूरे समय तू कहाँ था? सब बताऊंगा केडी, सब बताऊंगा, लेकिन अदालत में सबके सामने। लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है केडी, क्योंकि तुम्हारा दोस्त असली नीरज मारवा वापस आ चुका है और मैं ये जानता हूं
कि मेरा दोस्त केडी पाठक किसी की हत्या नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हें यहां से आजाद कराऊंगा और फिर तुम्हारी मदद से अपने भाई के हत्यारे को भी ढूंढूंगा। राइट। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.